ओके आज हमारे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाई है, हमने मुचलके जमा करवा दी है और जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के ऊपर झूठे अल्जामात लगाए गए थे वो मैं क्या कहूँ नैब के लिए, आज वो मुस्तरद हुए सारे और अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून पूरी आज सुरखरु है और उनको रिहाई आज मुतवक्को है इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। तो जश्न जश्न मनाएंगे। शहबाज शरीफ रिहा हो गए, क्या कहेंगे आज आज का दिन कैसा है पीएमएलएन के लिए? सदर रिहा हो गए, मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन के लिए ये दिन जो है ये बड़ा इस लिहाज से मुबारक है कि मियां शहबाज शरीफ की बेगुनाही जो है वो एक लार्जर बेंच से जो है वो हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से जो है वो सामने आई है और वो मनफी प्रोपेगंडा इंतकाम के मबनी प्रोपेगंडा जो है वो ज़मीन बोस हुआ है जो पिछले 2.5-3 साल से जो है वो हो रहा था और इंशाल्लाह ताला वो बाहर आके अपना प्रॉपर सियासी एक्टिविटी ऑफ द अपोजिशन का रोल जो है वो अदा करेंगे और मुल्क को मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनकी बड़ी ज़रूरत थी और उनका बड़ा मौसर रोल जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो हम आगे देखें। सियासी एक्टिविटीज दोबारा से शुरू करेंगे और पीडीएम का जो होने जा रहा है इजलास उसमें शिरकत करेंगे? ये लाजमी बात है, वो पीएमएलएन के सदर हैं, उस सीए से वो शिरकत करेंगे पीडीएम के इजलास। और ये बताइएगा कि मरियम नवाज जाएंगी या शहबाज शरीफ सिर्फ जाएंगे पीडीएम? दोनों जाएंगे और दोनों पीडीएम के इजलास में शिरकत करके अपनी बिल्कुल दोनों जाएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, थैंक यू। कायदे मौलाना अली का।